हर कोई मटन रान है ना, ये पूरी ये मटन रान है सर, पूरी मटन फुल मटन रान। और भाई क्या प्राइस होता है इसका? इसका हमारी 1100 रुपीस होंगी। 1100। और कितनी देर पहले ऑर्डर देना पड़ता है इसका? एक दिन पहले। यस सर। अच्छा, इसको बॉईल करते हैं या बिना बॉईल करे? नहीं, इसे मैं तंदूर से ही करता हूँ, बगैर बॉईल करे। बिना बॉईल करे मतलब जी, मैंने रात भर इसे हाफ डन करा है, हाफ डन करके रख लिया है, मैरिनेट करके रख लिया है। जी जी। तो वो नहीं है कि बॉईल करा और दे दी? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन। जेन्युइन काम करते हैं सर हम, देर से करते हैं लेकिन हम जेन्युइन काम देते हैं। अच्छा, आप जिस चीज के पैसे दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में मैं आपको अपना जो भी मेरा फूड है उसको टेस्ट देंगे। जी जी, वो टेस्ट देने की कोशिश करूंगा सर, बाकी तो आप देख रहे हैं। तो ये तैयार है अब तंदूर में जाने? जी जी, तैयार है बिल्कुल। इसको बंद कर लेंगे, तो ये हमारी पूरी मटन रान है, फुल रान जी, जिसकी प्राइस आपने बताए 1100 रुपीज़, और एक दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है। यस सर। ठीक है, और वो अभी इसमें कितना टाइम लगेगा बनने में? आधा घंटा लगेगा आराम। आधा घंटे में तैयार हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि पूरी रात मैरिनेट करके रखी हुई है आपने। सॉफ्ट हो गया जो इसका मटन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर आपके नंबर है, रेस्टोरेंट का नाम है फूड इन, जो कि है बिलासपुर गेट शाही महल मैरिज हॉल के बिल्कुल पास रामपुर में। ये आ गया हमारा देसी घी। ये हम लोग हल्का सा बटर लगाते हैं। अच्छा, बटर है ये शाइनिंग के लिए और अच्छे से पकेगा ये। अच्छा, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत। वाह दोस्तों, इसके अंदर बन रही है हमारी फुल मटन रान। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, शायद आपको आवाज़ आ रही हो इस वक्त, इसमें जो बनने की आवाज़ आ रही है ना, तंदूर की चट चट चट, वो सुनने में बड़े मज़े की है। ये देखिए, ये देखिए आप, खूबसूरत बेहतरीन रान। और भाई अभी पूरी पकी नहीं है और उससे पहले ही पानी आ चुका है मुँह में। वाह फारूक भाई, आप भी लेजेंड हो बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। थैंक यू भाई। अब इसको हमारे जो फारूक भाई हैं वो इसको पलट रहे हैं। देखिए हमने जो इसमें ये सुनहरी होने लगी है बटर जो लगाया था जी, वो सिर्फ इसकी लगाया था, थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। अच्छा, क्रिस्पी और क्रंची हो जाए इसमें बटर लगाया गया था जी, और शाइनिंग का लगाया। देखिए अब रान जो है ना वो पकने लगी है। थोड़ा और बटर लगाएंगे इसके ऊपर। नीचे तंदूर, ऊपर रान, क्या नजारा है। और ये थाल हमारी बस लगभग लगभग तैयार होने वाली है, रान भी लगभग लगभग तैयार होने वाली है। ये प्रेजेंटेशन डन हो गया, डन हो गया, बस बीच में यहाँ पर हमारी रान आने वाली है। उसका थोड़ा सा सैलेड वगैरह हम रखेंगे और थोड़ा डेकोरेट करेंगे, प्रेजेंट टेबल बनाएंगे और उसको। फारूक भाई अपनी रान रेडी हो चुकी है, बिल्कुल डन है, दिखाइए जरा शक्ल देंगे इसकी। भाई वाह, इसको देख के लग रहा है कि गोश्त बिल्कुल गल चुका है, जिसको हम कहते हैं मीट इज फॉलिंग ऑफ द बोन, वाला हिसाब होने वाला है शायद आज। ये आ गई हमारी रान बिल्कुल तैयार, गर्मा गर्म धुएं छोड़ती हुई। ये देखिए खूबसूरत। और ये हमारी थाल भी आ चुकी है, जिसको हमने गार्निश कर रखा है सैलेड से। और ये रही हमारी मटन रान। ये आ गई हमारी, आ चुकी है रान। थोड़ा पनीर होगा देने मेडिटेशन करने के लिए, पनीर का पनीर। रान बिल्कुल रेडी है, थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे अभी और इसमें। ये देसी घी है, वाह। तो ये आ चुका है हमारे इसके ऊपर देसी घी। और ये थोड़ा सा हमने चीज़ इसके ऊपर आ चुका है गार्निशिंग के लिए। और ये रेडी हो चुकी है हमारी रान।
रेस्टोरेंट का एड्रेस आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए फूड एंड।